दोस्तों, किसी सॉन्ग की एक लाइन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। आज है 29th of August, आपका नीट एग्ज़ाम होना है 12th of September को। वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू, बहुत से बच्चों के अंदर ये डाउट बना हुआ है। अभी जो है सिलेबस कंप्लीट बहुत बच्चों का नहीं हुआ है, मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, हमें जाना गवर्नमेंट MBBS कॉलेज है, कैसे होगा ये बच्चे ये जानना चाहते हैं। टाइम जो बचा है वो बहुत कम बचा, लिमिटेड टाइम बचा है 12 डेज समथिंग का, और इन 12 डेज में आपको इतना पढ़ना है कि आपको एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिले। अब कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें ये बहुत बड़ा डाउट है यार। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम एंड कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हमेशा डिपेंड करता है कि आपने एंड किस एक्यूरेसी से की है, किस स्पीड से की है और कितना आपने चीज़ों को रिवाइज किया था। अब एक बात समझिएगा, आपका जो नीट एग्ज़ाम है महज एक एग्ज़ाम है, कोई कुंभ का स्नान नहीं है कि आज हमने स्नान नहीं किया तो अब हमें मौका 10 साल 5 साल नहीं मिलेगा। हर साल एग्ज़ाम होगा, हर साल लाखों बच्चे जो है MBBS करेंगे, लाखों बच्चे एक दो नंबर से रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर MBBS करेंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही होना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत से बच्चे फ़ोन कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर मुझे एंजाइटी फील हो रही है, मुझे उलझन होती है, मैं रातों में सो नहीं पाता हूँ, सब मैं क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम के स्कोर बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यार आपके ना सोने से, आपके ना खाने से आपका एग्ज़ाम कभी अच्छा नहीं जाएगा। संदीप सर ने एक लाइन बोली थी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है फिजिकली फिट होना और मेंटली रिलैक्स होगा। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे और मेंटली रिलैक्स रहेंगे तभी आपका जो ब्रेन वो अपना बेस्ट दे पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए टेंशन लेना छोड़ दें, अब करना क्या है ये समझिएगा। भैया अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ लिया है वहीं पर ऐसे हाथ जोड़ लो, अब जितना पढ़ा है ना उसको रिवीजन करो। एक्स्ट्रा पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। जिसने जितना रिवीजन कर लिया उसके स्कोर उतने ही अच्छे आएंगे, ये आज आप मान लो। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्च करोगे उससे पढ़ें, इम्पॉर्टेंट इससे पढ़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है यार। जितना आपने पढ़ लिया है वही इम्पॉर्टेंट है और उसी पर विश्वास करके पढ़ाई करो। पहली चीज़ क्या है, रिवीजन करना, और दूसरी चीज़ क्या है, नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी ही अच्छी आपकी रैंक आपके एग्ज़ाम में निकल के आएगी, ये आप लिख कर ले लो। आपको हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो महंगी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी नहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया था, इसलिए वो 2-3 साल से मेहनत करने के बावजूद उनको MBBS नहीं मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो ये कहाँ पढ़ता है यार, रिजल्ट आता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उसको MBBS कॉलेज मिलता है, फिर आप शौक रहे और उसको MBBS मिल गया। ऐसे आपके साथ कई बार होगा, आप देखा होगा। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नॉलेज के पीछे ना भागो, जितना पढ़ लिया है उतने पे विश्वास रखो, बिकॉज अब टाइम कम है। जब नॉलेज गेन करना था तो आपने किया नहीं, अब आप करना चाहते हो तो कैसे आप बेच दे पाओगे। जितना कर लिया है उसी पे कंट्रोल रखो, उसी को रिवाइज करो, उसी को अपना स्ट्रांग जोन बनाओ और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे ना उतनी अच्छी आपकी रैंक आपके एग्जाम में जाएगी। ओके, डोंट कंपेयर्स विथ अदर, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करो। अगला क्या करता है वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको करने दो, आप अपना बेस्ट दो यार। आपके पास वो पावर है कि आप नीट एग्ज़ाम किया, आप UPSC क्रैक कर सकते हो। रियलाइज़ करो वो दिन जब आप जो है फर्स्ट ईयर में 12th में रहे होगे और आपने क्लास टेस्ट टॉप किया था, कैसे किया था, पढ़ाई की थी ना, वैसे रिवीजन करो यार, ठीक है। लास्ट के 10 to 12 days आप स्ट्रेटजी बनाना बंद कर दो। अब एक सूत्री प्रोग्राम होगा, दिन में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनसे डाउट्स जो निकल के आते उनको क्लियर करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व, फिर डाउट्स क्लियर, बस। और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत अब नहीं है यार। फिलहाल के लिए छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।